यही एकमात्र तरीका है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। मैं इस साल पर्टिकुलरली अपनी बात करूं तो मैंने 580 के So finally, आप देख सकते हैं कि मैं घर पे आ चुका हूँ। जब मैं लास्ट वाला ब्लॉग ला था तब मैं पटना में था, तो इस ट्रांजिट के बीच मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत सा मुझे रेस्ट चाहिए था, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से मेरा पेपर भी चल रहा था और साथ ही मैं ब्लॉग भी कर रहा था, रेटिंग वगैरह, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट के लिए उस चीज़ को अवॉइड किया। बट नाउ आई एम गुड, आई एम ओके, नाउ आई कैन डू द ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग में बेसिकली मैं पेपर का एनालिसिस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि एक मेडिकल एंट्रेंस जैसे पेपर को पास करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कि हाई लेवल है क्या, लो लेवल है, मैं और क्या बेसिक लेवल है, क्या चीज़ को आपको लेके चलना है, मैं उन चीज़ों को कवर करूँगा। एंड मैं ये बताऊँगा कि क्वेश्चंस में क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट 2 ईयर में, क्योंकि लास्ट पेपर का पूरा कंट्रोल लास्ट 2 ईयर से NTA लेके रखी है। सो ऑन दैट बिहाफ आई एम बेसिकली गोइंग टू एनालाइज द पेपर एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स। सो लेट्स बिगिन विद दैट। बेसिक बातें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी तक का ट्रेंड रहा है कि रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस रहने ही रहने थे, रोटेशन से क्वेश्चन रहने ही रहने थे, NLM से क्वेश्चन रहने ही रहने थे, तो इन तीन चैप्टर को फिजिक्स में मिला करके कम से कम 32 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स थे कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। बट इस साल में ना ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखा गया ज़्यादा, ना NLM से ज़्यादा देखा गया और ना ही रोटेशन से ज़्यादा देखा गया, बस एक टॉर्क वाला क्वेश्चन आया था। तो इन चैप्टर्स को जो यूजुअली जो अभी तक ट्रेंड चल रहा था कि जी इन चैप्टर्स से हाई मार्क्स के पेपर्स पूछे जाते थे, तो उस ट्रेंड को अब डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। उसके अलावा बायोलॉजी में भी बायोटेक्नोलॉजी जैसे चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी जैसे चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो कि इतनी इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता था, ऐसे ऐसे सेक्शंस को अवॉइड किया गया था इस साल पेपर के लिए। इस साल पेपर में बिल्कुल बेसिक्स लिए गए थे, जो पेपर एनालिसिस के अनुसार जो बात निकल के आती है कि सरकार चाहती है कि अब कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो चलते थे इन पे बच्चा कम फोकस करे, बच्चा पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करे, बच्चे को बेसिक्स दिए जाए ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि NCERT से दिया गया था। या सरकार का जो बेसिक फोकस है कि अब मिडिल क्लास, मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, यानी इन जगह से भी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में जगह मिले। पैसे वाले के बच्चे विदेश जा करके भी पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट ने ये पीछे का ट्रेंड काफ़ी चेक किया होगा, देखा होगा कि बच्चे तो पैसे वाले बच्चे विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर उनका NTA नहीं निकलता देन ऑल्सो दे स्टडीज फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे रह जाते थे वो थे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, तो उनको कवर अप करने के लिए बेसिकली सरकार ने ये स्टेप्स लिए हैं कि अब बेसिक्स क्वेश्चंस लिए जाएंगे। हालांकि सबको पता है कि अभी तक के NCERT सब क्वेश्चन आता है, बट इस साल, इस पिछले 2 साल से जो ट्रेंड चल रहा है उसमें काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। सो ये लेट्स सी हाउ वाज द पेपर। और हाँ, इस साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो एक बात मुख्य रूप से निकल के आती है वो ये कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब आपके पास थ्योरी पर लिमिटेड हो गया कि आपको इतना सा ही थ्योरी पढ़ना है, पहले इतना सारा थ्योरी पढ़ना था, अब इतना सा थ्योरी पढ़ना है, जब आपका थ्योरी लिमिटेड हो गया तो आपको क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए आप समय में ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करो आप लोग, क्योंकि ऑफलाइन तो सारा सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। सो ऑनलाइन के लिए आप बेसिकली अभी अनअकैडमी पर एक यूनिक प्रोग्राम आया हुआ है, अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है। वो यूनिक प्रोग्राम में क्या किया जाता है कि बेसिकली मंडे से थर्सडे तक क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, DPPs करवाए जाएंगे, जिसमें आप ढेर सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसमें बेहतर बात यह है कि आपको एक प्राइजेस दिए जाएंगे, जो टॉप 5 परफॉर्मर्स होंगे उनको एक्साइटेड रिवार्ड्स दिए जाएंगे। और संडे को भी UGMT यानी अनअकैडमी जीनियस मॉक टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें कि आपको संडे को एक स्पेशल पेपर करवाया जाता है। और इन सारे पेपर्स का जो मंडे टू थर्सडे होगा और ये जो संडे को पेपर होगा, हर पेपर्स का प्रॉपर एनालिसिस करवाया जाएगा, प्रॉपर डिस्कशन करवाया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि ये सारा का सारा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी जाओ अनअकैडमी पर और मस्त क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट जगह अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉपर आपका रिकॉर्ड दिखेगा, आपने कैसा परफॉर्म किया, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है वहाँ पे पेपर देने के लिए। तो आप स्ट्रेस फ्री पेपर दो और परफॉर्म करो वहाँ पे, अच्छे परफॉर्म करते हो तो आपको ढेर सारे रिवार्ड्स भी मिलने के चांसेस हैं। लिंक जो है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आराम से जाओ लिंक पे, आराम से जाओ और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ढेर सारा रिवार्ड्स जीतो। जितना ज़्यादा परफॉर्म करो उतना ज़्यादा रिवार्ड जीतोगे। Now we will continue with our paper analysis, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं।
सो या लेट्स गेट कंटिन्यू। एलएम से सिर्फ एक क्वेश्चन रहा यहाँ पे, रेसिस्टेंस का एक क्वेश्चन, एनएलएम का दूसरा क्वेश्चन यहाँ रहा, इलेक्ट्रिक का चार्ज का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये प्रिज्म का एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको एक्स्ट्रा। आपको याद था तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट लगाओगे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इन सब में टाइम नहीं रही, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये सारा का सारा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन से, ये वाला क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे थे जिसको कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बेस्ट पे बना सकते थे। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके मेडिकल कॉलेज में। तो आप प्रीफर करो कि क्वेश्चन के प्रैक्टिस ज़्यादा करें हम, क्योंकि ये सारे के सारे 16 क्वेश्चन मैंने आपको गिनवाया भी जो कि बिल्कुल मेमोरी बेस्ड था, वो भी फिजिक्स में। 64 मार्क्स तो आपको यूं ही मतलब फेंका हुआ था पेपर पे कि आप जाओ और इसको उठा करके आगे बढ़ जाओ। सो दिस वाज अबाउट फिजिक्स। नाउ लेट्स कम टू द केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में एक ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्यूशन का रटने वाला क्वेश्चन था, 2, 3 ये वाला भी क्वेश्चन रटने लायक था, 4 ये वाला भी बिल्कुल रटने लायक क्वेश्चन, ये बिल्कुल वन स्टेप क्वेश्चन था, 5 ये वाला क्वेश्चन वन स्टेप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसको थोड़ा प्रोसेस लगेगा इसमें, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ मॉल कॉन्सेप्ट, देखो रहो 12 है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड है, 19, 20 एग्जैक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, और ये रहा 21 क्वेश्चन, यानी 84 नंबर्स तो आपको यूं ही फेंके हुए थे केमिस्ट्री में भी। आप सीधे जाओ और उसको उठा लो, पिक कर लो। 21 क्वेश्चंस बिल्कुल चिल था, जिसको कि आपको जिसको लगाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सीधा सीधा पेपर में फेंका हुआ क्वेश्चन फेंका हुआ था, नंबर फेंका हुआ था क्वेश्चन पे। बायोलॉजी में भी ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया, जैसे बॉडी फ्लूइड्स का मैं ये वाला सेशन देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन बिल्कुल चिल था, ढेर सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी में ऐसे थे जिसमें कि ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। बायोलॉजी तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते ही हैं। इसमें इस साल बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि बायोलॉजी में ज़्यादा एडवांस लेवल का पेपर सेट नहीं किया गया था, बिल्कुल ईजी पेपर था। जब फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही पेपर में ही जान नहीं था तो फिर बायोलॉजी में क्या ही रहेगा। सो या गाइज, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड दैट विल गिव यू प्रॉपर एंड बेटर रिजल्ट। सो गाइज, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे चांसेस उतना ही ज़्यादा बनेंगे आपके मेडिकल कॉलेज में। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर जाकर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। यही एकमात्र तरीका है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। थ्योरीज तो एक बेसिक चीज़ है जो आपको आना ही चाहिए, बेसिक थ्योरी को ले लो, आप एनसीईआरटी को पढ़ो, बेसिक थ्योरीज को अपने पास रखो। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने दूसरे चैनल पे वीडियोज डाल रहा हूँ लगातार बेसिक चीज़ों को लेकर के, तो आप वहाँ पे पढ़ो। बेसिक चीज़ें बिल्कुल, कोई हाई फाई नॉलेज नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपको रखना है दिमाग में, कोई एडवांस लेवल पेपर नहीं, आप बेसिक चीज़ों को दिमाग में रखो। मैं वहाँ पे एडवांस लेवल भी डालूंगा, पर पहले मैं फोकस कर रहा हूँ कि बेसिक चीज़ों पे रखो, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर बेसिक चीज़ों से डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरा मकसद है कि मैं बेसिक चीज़ों पे पकड़ के फोकस बना के रखूं, एंड बेसिक चीज़ों पे बेस्ड मैं वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया अपने दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और फीचर चैनल में भी वो लिंक चैनल आ जाएगा आपको, क्रेजी ट्यूटोरियल नाम का चैनल, आप उसको सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे। सो आप जाके वहाँ पे वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्वेश्चन प्रैक्टिस एकमात्र तरीका है, जिससे कि मैं इस साल पर्टिकुलरली अपनी बात पकड़ूँ तो मैंने 580 के अप्रोक्स क्वेश्चंस लगाए हैं। नाउ लेट्स सी कितने परफॉर्मेंस होते हैं, एंड होप फॉर द बेस्ट। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ बी हैप्पी, बाय बाय।
और सुनना है तो सब्सक्राइब करो। कुछ भी बोलते हो।